दोस्तों आज के दिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग पीवीसी आधार कार्ड मंगाना चाहते हैं इस टाइप का, तो आप लोग कैसे मंगा सकते हैं। आप लोग आज के दिन इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कितना रुपए लगने वाला है, कितना रुपए कहाँ पर कैसे पेमेंट करना है उस सब मैं बताऊंगा। और जिन लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर है या जिन लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, वो सब लोग अपना पीवीसी आधार कार्ड घर पर मंगा सकते हैं इस वीडियो को देख करके। मैं इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और आइलैंडटेक चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आप लोगों को आइलैंडटेक चैनल पर ही मिलेगा देखने को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आइलैंडटेक चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे पर दबाते टाइम पर ऑल पर टिक करें, ताकि जब भी नई और लेटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों को मिले आपके मोबाइल और फोन में। दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले क्रोम ब्राउजर या कोई भी दूसरे ब्राउजर में इस वेबसाइट को सर्च करना है, UIDAI, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर इस पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो ये वेबसाइट है कुछ इस प्रकार का दिखने लग जाएगा। अब देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप घर बैठे ऑर्डर करें आधार पीवीसी कार्ड, यानी कि इस टाइप का अगर आधार कार्ड मंगाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए देना पड़ेगा, और स्पीड पोस्ट के जरिए आप लोगों के घर पर एक हफ्ते के अंदर पहुंच जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो लिखा हुआ है ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, तो इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये जो वेबसाइट है कुछ इस प्रकार दिखेगा। देख रहे हैं तो लिखा हुआ है गेट योर आधार कार्ड, यानी कि इस टाइप का अगर आप लोग स्मॉल आधार कार्ड चाहते हैं तो इससे फायदा ये होगा कि आप लोग इसको इजीली सिक्योर है, और साथ में ये भी है कि आप लोग इजीली इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में या अपने बैग में कहीं पर भी। और बड़ा वाला जो होता था वो कागज वाला, वो उससे क्या होता था कि फटने का चांसेस रहता था उसको, यानी कि उसको फोल्ड करके रखने पे वो फटने का चांसेस था और गुम होने का भी चांसेस रहता था। और ये क्या है, साथ में रहेगा, हमेशा पॉकेट में रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे करना है और यहाँ पर आप लोगों को अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी कोड लिखा है उसको यहाँ पर डाल दीजिए। अगर ये सिक्योरिटी कोड समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे ये जो रिफ्रेश का छोटा सा बटन दिया है इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, फिर जो दिखेगा उसको देख करके यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर जिसका मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो लोग इसको टिक नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यानी कि जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो लोग डायरेक्ट सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे। उन लोगों का जो मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा जो रजिस्टर है, जिन लोगों का मोबाइल नंबर अब रजिस्टर नहीं है उन लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। जो लोग मोबाइल में रजिस्टर करना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर, यानी कि आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने एक वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप लोग उस वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को एक अपॉइंटमेंट मिलेगा, यानी कि लाइन में खड़े होना पड़ता था घंटों भर, वो खड़ा नहीं होना पड़ेगा, आप लोगों को एक डेट और टाइम दे दिया जाएगा। उस डेट और टाइम पर जाने के बाद आप लोगों को ये जैसा कि जो भी कुछ आप लोग चेंज करना चाहते हैं वो सब कुछ चेंज कर पाएंगे, सिर्फ आप लोगों को 50 रुपए देना होगा। तो जिन लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है वो लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ध्यान में रखें कि जो मोबाइल नंबर आप लोग डालेंगे वो मोबाइल नंबर सही रहना चाहिए, क्योंकि उस पर एक SRN नंबर जाएगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, तो वो 28 डिजिट का होता है, वो मैं बताऊंगा क्या होता है थोड़ी देर में। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सब भर लेते हैं। सब भरने के बाद मैं आप लोगों को सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करते टाइम पर आगे बताता हूँ कि क्या करना है। जैसा कि देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड नंबर मेरा डाल दिया है, यहाँ पे मैंने ये जो कैप्चा है सिक्योरिटी कोड है उसको मैंने डाल दिया है, यहाँ पर चेक किया है, समझ लीजिए कि मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, तो मैंने एक कोई भी मोबाइल नंबर डाल दिया है, लेकिन ये सही होना चाहिए और आप लोगों के पास ये मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो उस पर एक ओटीपी आएगा और उस पर थोड़ी देर में एक SRN नंबर भी आएगा, तो सबसे पहले तो ओटीपी भेज देते हैं इस पर। तो देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करना है, नीचे करने के बाद हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आ चुका है, उस ओटीपी को डालते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, उस टर्म्स एंड कंडीशन को भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो जो ओटीपी है वो ओटीपी को हम लोग डाल लेते हैं, तो जो ओटीपी है 281884, और यहाँ पे ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको बॉक्स को सही कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है,
इसलिए आप लोगों को यहाँ पर प्रीव्यू नहीं दिखेगा कि जो आप लोग ये ऑर्डर करने वाले हैं 50 रुपए दे करके वो कैसा दिखेगा। अगर आप लोगों को मोबाइल नंबर रजिस्टर रहता था तो यहाँ पे दिखता था कि आप लोग जो मंगा रहे हैं वो किस प्रकार का दिखेगा। तो यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करना है 50 रुपए पे करने के लिए। मैं आप लोगों को पेमेंट करके नहीं बताऊंगा लेकिन आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता दूंगा। यहाँ पे देखेंगे तो 50 रुपए यहाँ पे बोल रहे पे करने के लिए, और यहाँ पे UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड्स, इन तीनों का आप लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि UPI पे क्लिक करेंगे तो आप लोग गूगल पे, फोन पे, भीम UPI या पेटीएम, तो पेटीएम के जरिए बढ़िया रहेगा। आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जैसे ही पेटीएम वाला, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है, आप लोगों का नाम यहाँ पे दिख जाएगा और फिर प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है, आप लोगों के पेटीएम से पैसे कट जाएगा। अब जैसे ही पैसा कट जाएगा तो इस पेज को कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आप लोगों को एक रेफरेंस नंबर या SRN नंबर देखने को मिलेगा, उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, तुरंत ही आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। अगर नहीं आता है तो कोई बात, घबराने की बात नहीं है। आप लोगों के मोबाइल पर, यानी कि जो आप लोगों ने मोबाइल नंबर डाला था, रजिस्टर किया था, उस पर एक SRN नंबर मिलेगा। उस SRN नंबर को आप लोगों को, इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये वाला वेबसाइट का, यहाँ पर इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोगों को कुछ भी करना नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे थे लिखा हुआ चेक आधार रिप्रिंट स्टेटस। अब यहाँ पे जो SRN नंबर आप लोगों को मिला है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, उस वो 28 डिजिट का होगा। उस 28 डिजिट के नंबर को आप लोग जैसे यहाँ पर फिलअप करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और फिर यानी कि जो आप लोगों का आधार कार्ड नंबर है वो डालेंगे और ये जो कैप्चा लिखा हुआ है इसको यहाँ पर डालेंगे तो, और यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, और आप लोगों का SRN नंबर भी दिखेगा। तो चलिए मैं तीनों चीज भर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने SRN नंबर, आधार नंबर और यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है वो भर दिया है और चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो तो लिखा हुआ है SRN नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को सॉरी नहीं दिखेगा, ये आप लोगों को आधा ही दिखेगा, ये 28 डिजिट का होता है। और SRN नंबर यानी कि SRN जो स्टेटस है वो पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है ग्रीन कलर का, यानी कि जो हम लोगों ने पेमेंट किया था 50 रुपए का वो पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे क्लिक करेंगे तो जो आप लोगों ने पेमेंट किया है 50 रुपए का और आप लोगों का जो भी आधार नंबर है, क्या ऑर्डर किया है, वो सब दिखेगा। तो इस पे क्लिक करेंगे, अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देख रहे हो तो ये जो है कुछ इस प्रकार का दिखेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर आधार रिप्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, यहाँ पे SRN नंबर दिख रहा है, रिसिप्ट नंबर दिख रहा है, ट्रांजेक्शन ID, रिप्रिंट अमाउंट 50 रुपए और यहाँ पे हमारा आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है। ये हमारा ये जो कंपनी है, ये जैसे कि ये वेबसाइट है गवर्नमेंट का, उसका ये GST नंबर दिख रहा है, यानी कि जो हम लोगों ने अप्लाई किया था, यानी कि ये इस प्रकार का कुछ हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था, ये PVC आधार कार्ड, ये हम लोगों का ऑर्डर हो चुका है, 1 हफ्ते में घर पर आ जाता है। अगर आप लोग आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ और समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ।